फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, गांधी परिवार पर हमला बोला, कहा कांग्रेस की देश विरोधी राजनीति नाकाम हो गई, अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल है कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 48 सीटें मिली जबकि कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई। 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत। हरियाणा के चुनाव परिणाम से कांग्रेस खेमे में भारी आक्रोश, पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा हम चुनाव आयोग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे, पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आयोग का रुख करेंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर चुनाव आयोग को कोई शिकायत नहीं मिली है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। आयोग ने कहा है कि अगर कोई उचित शिकायत आती है तो आयोग सख्त कदम उठाएगा। ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ बढ़ती शिकायतों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यह नोटिस जारी किया है। कंपनी से 18 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है। कंपनी के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 10,000 शिकायतें मिली हैं। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया। मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की आज घोषणा हो गई। इस साल ये पुरस्कार एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे होपफील्ड को मिला है। मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए यह सम्मान दिया गया है। भारत की महिला टीम ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले साउथ कोरिया को भारत ने 3-2 से हरा दिया। पहली बार एशियन चैंपियनशिप में मेडल पक्का हुआ।